नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में बुधवार आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। ये मुठभेड़ पुलवामा जिले के कसाबयार राजपोरा इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि कसाबयार इलाके में 2 आतंकवादी फंसे हुए थे, जिनकी सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर ली। पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि पुलवामा के कसाबयार इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसके नतीजे में 2 आतंकवादी ढेर हो गए। अधिकारी के मुताबिक इससे पहले सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना CRPF के संयुक्त दल ने आतंकवादियों की मौजूदगी वाली जगह पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जानकारी मिलने पर जब सुरक्षा बलों ने उस जगह का घेराव किया जहां आतंकी छुपे हुए थे, तो आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकियों ने लगातार गोलियों की बौछार की, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की। इसी दौरान आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई और जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी मारे गए। जानकारी के मुताबिक अब ये मुठभेड़ खत्म हो गई है। जिन आतंकवादियों के शव बरामद हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि मारे गए आतंकवादियों का संबंध JNA मोहम्मद से हो सकता है। दोस्तों, ऐसी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।